येथील बाबा कंबलपोष उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा 28 जानेवारी रोजी घेण्यात आला होता. 20 जानेवारी रोजी अजमत खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका स्तरीय निबंध स्पर्धा घेण्यात आली होती. या निबंध स्पर्धेचा विषय पाण्याची बचत आणि महत्व होता. या स्पर्धेत 95 विद्यार्थ्यांनी या निबंध स्पर्धेत भाग घेतला होता. तसेच भारत सरकारकडून आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय निबंध स्पर्धेत भारतातून तिसरा क्रमांक मिळवणारी साहिबा अक्रम खान हिचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला. यावेळी स्टार न्यूजच्या प्रतिनिधींनी मुख्याध्यापक सय्यद इरफान यांच्याशी संवाद साधला. मैं सैयद इरफान, मुख्याध्यापक बाबा कंबलपोष उर्दू हाईस्कूल आर्मी. हमारे इस स्कूल में 20 जनवरी 2019 को एक निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था पानी का महत्व और पानी की बचत. ये दो भाषाएं में ली गई, हिंदी और मराठी. मराठी भाषा में ये हमारे स्कूल में कार्यरत मराठी भाषा शिक्षक श्री अमजद खान, इनके मार्गदर्शन में ली गई थी, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया था. और इसका बख्शीश वितरण 28 जनवरी को इस स्कूल में लिया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरेश बाबूलाल जायसवाल, जिसको 2001 रुपये इनाम दिया गया है, जो कि श्री महोदय भारतीय विद्यालय के छात्र है. उसी के साथ में सेकंड प्राइज स्नेहल खराटे, जिसको 1001 इनाम दिया गया है, जो कि राधा कृष्णन की छात्रा है. उसी के साथ में आदिल अकबर खान, इसको 701 रुपये थर्ड प्राइज दिया गया है, जो कि श्री महोदय भारतीय विद्यालय आर्मी का छात्र है. उसी के साथ में 3 प्रोत्साहन पर बख्शीश इसमें रखे गए थे, जो कि 2 प्रभाकरण की छात्रा और 1 बाबा कंबलपोष उर्दू हाईस्कूल आर्मी की छात्रा ने प्राप्त किया है. इस प्रोग्राम में हमारे स्कूल से पूरे भारत में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत सरकार की जानिब से एक निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था ईंधन की बचत. इसमें हमारे स्कूल की छात्रा साइमा अकरम खान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी यहाँ पर सत्कार किया गया. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मौलाना हाजी अन्सार, नगरसेवक कादरी ईसानी, माजी नगरसेवक जावेद सोलंकी, प्राध्यापक मुबीन मकसूद पटेल, चौहान, वसीम, सद्दाम शेख, आरिफ शेख, अकबर खान, अक्रम खान आदी सह शालेय विद्यार्थी व पदाधिकारी उपस्थित होते. जाफर शेख, स्टार न्यूज, आर्णी.